हाँ मुंबई से आ रहे हैं सर। कैसे लगा ये? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी प्लेस है। और अभी तो स्नोफॉलिंग होने वाली है। हाँ बहुत, उसी का इंतजार कर रहे हैं। कितने दिन से हैं यहाँ? यहाँ 3 दिन से हैं और 3 दिन तक हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत मजा आ रहा है। लोगों को क्या कहेंगे यहाँ? लोगों को कहेंगे यहाँ पर आइए और बहुत सारा मजे कीजिए। स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में स्विट्जरलैंड है। आप बताइए। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मौसम है। अच्छा, अभी चुनाव भी आने वाले हैं, चुनाव के बारे में पूछेंगे तो किसको वोट करेंगे आप? हम तो भाजपा को ही वोट करेंगे। राहुल को क्यों नहीं? राहुल क्योंकि किसी काम का नहीं है। ऐसा मत बोले, वो आजकल बहुत भाषण दे रहे हैं। नहीं वो भाषण दे रहा है लेकिन उसको खुद पता नहीं होता है कि वो क्या बोल रहा होता है। लिखे हुए ऐसा देता है वो, खाली खाली लिखे हुए भाषण देता है, अपने मंत्रियों के नाम भी नहीं ले पाता ठीक से। वो किसी को कुंभकर्ण बोल देता है, नाम कुछ और होता है, तो वो पप्पू है और पप्पू ही रहेगा। ऐसा मत बोले, पप्पू ही है वो और पप्पू ही रहेगा सर। तो आप किसको पसंद करेंगे? नहीं बताइए, आप नहीं पूछेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके चल सर, चल थैंक यू सर। हां जी हां जी, बराबर बैठे। कैसा लग रहा है यहाँ? बस सर मौसम खराब है, बहुत अच्छा हो रहा है। क्या काम करते हो यहाँ? सर गाइडिंग का काम करता हूँ मैं। तो अच्छा काम चल रहा है? बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा काम चल रहा है। तो आपकी वोट कहाँ है? वोट कहाँ देते हो? मैं समझा नहीं सर। वोटिंग कहाँ करते हो? वोटिंग मतलब इलेक्शन में इधर ही करते हैं सर हम। तो किसको वोट देंगे आप? सर वोट तो अब देखना पड़ेगा ना। नहीं अच्छा काम करेगा, सब कुछ अच्छा करेंगे तो उसको ही वोट मिलेगी। आपके अकॉर्डिंग कौन अच्छा कर रहा है? सर अब तो क्या बोल सकते हैं हम, ज़्यादा इलेक्शन के बारे में हम मतलब उसमें थोड़ा। नहीं नहीं मोदी और राहुल को जानते हैं? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। लो तो किसका पसंद करेंगे? चलो सर हम तो मोदी को ही मतलब फैन है। तो अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो हिमाचल में बढ़िया काम चल रहा है? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो धंधा अच्छा चल रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। चलो बढ़िया, मोदी से खुश है। हम तो दिल्ली से। दिल्ली से? ओह अच्छा जी। किसको करेंगे वोट? मोदी को। मोदी? आप मोदी के सपोर्टर हैं? और याक की सवारी कितने लोग कर रहे हैं आजकल? आजकल निकल जाती है 10-15 राइड। तो मतलब दिन का खर्चा चल जाता है? खर्चा निकल जाता है। तो मोदी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप? मोदी को सपोर्ट अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा लगता है, मतलब जमीनी नेता है। हाँ जी। तो आप कितनी दूर से हैं यहाँ से? ये सर सिर्फ आधा किलोमीटर। आप बताइए भाई, आपका नाम? यशु। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम मोदी को ही है। आप मोदी वाले? हाँ जी सारे मोदी वाले। राहुल को नहीं? ओ कौन हो करेगा, यहाँ मोदी चलेगा। मोदी चलेगा। भाई लोग आप कहाँ से आ रखे हैं? जी मैं नोएडा से आया हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या मजे लिए आपने? ये मजे लिए सारे, जो बर्फ में बर्फबारी हो रही है उसके मजे ले रहा हूँ। और भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ स्नोवाइट का, जो होता है ना। हाँ स्नोफॉलिंग का मैं इंतजार कर रहा हूँ उसका भी। कितनी बार आए यहाँ? मैं तो पहली बार मैं आया हूँ। पहली बार बर्फबारी देखेंगे? हाँ जी हाँ जी। तो अब चुनाव को लेके पूछते हैं, किसको वोट देंगे अभी इस बार? 20 बार? 21 बार? इस बार अब देखेंगे जैसा। ऐसा तो मोदी को देने के विचार है। अच्छा मोदी को देना? हाँ जी। अखिलेश मायावती जी नहीं? क्यों, गठबंधन से खुश नहीं है? नहीं गठबंधन से खुश नहीं है, जो अब जो काम उन्होंने जो अभी 5 साल में जो किया है उन्होंने, जो उतने सालों से बहुत साल पहले जो काम नहीं होते आ रहे, जो करता नहीं था उन्होंने, तो करके दिखाया कुछ जो कई चीज़ है जो अभी लोग बहुत लोगों को दिखता ही नहीं जो चीज़। लेकिन अखिलेश यादव तो बोलते हैं काम बोलता है, आप बोल रहे हैं कि दिखता नहीं है? नहीं दिखता है मगर जब लोगों को इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ लोगों मन में बैठा दिया गया बात की कि तुम मोदी ने ये नहीं किया वो नहीं किया, जब कई चीज़ है जो कि उन्होंने किया जिन्हें लोग पता ही नहीं चल रहा किसी। कौन फैला रहा है ये अफवाह? फैला रहे हैं ऐसे तो सारे अखिलेश वाले पार्टी वाले जो आदमी जो है चाहे और लोग जनता के सामने फैला रहे हैं, जबकि जब उतने सालों से जितने भी जिसकी सरकार रही है वो कभी आज तक उस तरह का काम नहीं हुआ जिससे जमीन हकीकत पे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कि लोगों को होता नहीं पता। अब जैसे कई चीज़ पहले लोग बैंकों में पैसे जमा लंबी लाइन लगनी पड़ती थी, अब जब से डिजिटल इंडिया आया है ऐसे लोग घर बैठे अपना पैसे जमा कर लेते हैं, चाहे कहीं भेजना भेज देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर हम किसी को वीडियो कॉलिंग करना हो तो हम कर सकते हैं, पहले वो सुविधा चाह कर भी नहीं होता था, पहले पैसे ज़्यादा लगते थे पहले। तो आप जियो के कस्टमर हैं? नहीं नहीं हम तो सबका कस्टमर हैं, हमारे पास एयरटेल का ही है। अच्छा एयरटेल है, लेकिन रेट कम हो गए? हाँ रेट कम हो गया, पहले से तो ज़्यादा लगते थे ना पहले।
तो ये मतलब ये इसमें महंगाई कम हुई है? महंगाई तो जैसे महंगाई किसी सरकार है उतना कम नहीं हो सकती किसी के, लेकिन आजकल आटा से डाटा ज्यादा खा रहे हैं। आटा डाटा इसलिए खा रहे लोग जैसे पहले कभी पहले देखा नहीं है, अब जो मिला है तो इतना जी भर के इस्तेमाल करने लोग, तो मजा आ रहा है मतलब बर्फबारी। हाँ जी हाँ जी। तो अब इस बार अखिलेश का आटा नहीं चलेगा? नहीं, अब देखो अब लोगों के मन में क्या चल रहा है वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं अपना बताया मैंने अपना। राहुल गांधी और प्रियंका के बारे में? नहीं वो तो ऐसे ही है, जब लोगों के जनमन में अफवाह फैला के फिर अपनी अपनी रूटीन सही करता है, हर कोई पार्टी ऐसे ही करता है। लेकिन वो तो बोल रहे दूसरी इंदिरा गांधी आ गई। हाँ वो तो कहेंगे ही, वो तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे उतना उसने सोच ही रखा था पहले कि जब लास्ट चुनाव का टाइम होगा तब मैं अपनी सिस्टर को खड़ा करूँगा, क्योंकि उसी का क्योंकि लोगों की नज़र में यह था कि कांग्रेस के जो जितने भी नेता है कुछ तरह का नेता नहीं है जो पहले लोग मानते आ रहे थे, अब उसने उसको नज़र में लग रहा है या जनता सामने फैलाने लगा कि ये इंदिरा गांधी की एक छवि है, उसके चेहरे जैसे दिखता है, उसका छवि है, उसकी पोती है, तो लोगों मन में ये बैठा जाएगा कि जो कांग्रेस सरकार जो दे सकती है वो और नहीं दे सकता, लोगों मन में बैठाया जाएगा। अभी तो अभी आने वाला टाइम ही बताएगा सबको। फिर लोगों को क्या कहेंगे आप? किसको? लोगों को मैं तो वही कहूँगा जो जो ज़मीनें जो काम किया है जो जगह के जिस रोज काम करते आ रहे हैं पाँच साल जो काम करके दिखाया वो अगर आदमी समझ के काम करे तो वोट उसी को देना चाहिए जिस जो जिसने काम किया। अच्छा चलिए ठीक है, इंतजार करिए, बर्फबारी हो तो मजे लो आप भी। आप बताइए भाई। भाई वही बता देगा। अरे भाई साहब आप ठंड लग रही है, आपका नाम बताइए। मेरा लीडर है वही। लीडर है? आप भी तो सैनिक है फिर बताइए। नहीं वही बताएगा भाई लीडर। अब बर्फबारी होगी अब मजे लो बाहर। क्या लग रहा है 2019 में किस सरकार बनेगी? देखिए अभी तो आपको पता ही है कंडीशन किस तरीके से है, मिक्स्ड ही है, कोई डेफिनेट नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर आएगा। होप्स आप देखिए क्या क्या होता है किस तरीके से। आप बताइए देश के लिए कौन सही है, कौन सही काम कर रहा है? देखिए जो भी काम कर रहे हैं आपको पता ही तो, मोदी जी भी आएंगे तो हर स्टेट में तो वैसा होगा नहीं, अब सबकी राय एक जैसी नहीं रहती ना युवा की। अभी वो मिक्स चला हुआ है, घर में भी है कोई बोलते हैं कि कांग्रेस लेके आओ, कोई बोलता है बीजेपी, कोई बोल रहा है कुछ, तो किस तरीके से करेंगे वो चीज़ें मिक्स्ड है अभी जो भी है। देखिए अब देखिए हर एक का अलग अलग ओपिनियन है, ओपिनियन अलग पर आप अपना बताइए। अभी देखिए अभी तक कंफ्यूज है, अभी तक नहीं है कोई डिसाइड नहीं किया है। आप राहुल गांधी की तरह मत बोलिए कंफ्यूज है आप। किस देखिए डिसाइड तो करना ही पड़ेगा ना पहले, अभी आप आएंगे जब पोल स्टार्ट होंगे तो उसी के बाद बताएंगे नहीं कि उन लोग क्या दे रहे, क्या उनके आगे स्ट्रेटजीज वगैरह, क्या उनके प्लान है आगे के लिए, उस हिसाब से होगा भी चीज़ें। फिर भी आप बता दीजिए कौन बढ़िया रहेगा, अपोजिशन में बहुत सारे लीडर हैं। वो तो है ही, अभी डिसाइड करेंगे तभी बताएंगे ना, ऐसे तो है नहीं कि जाओ और कुछ भी उठा के लेके आ जाओ, देश की बात है ये, सोच समझ के ही फैसला लेना पड़ेगा। आगे जब पोलिंग चलेंगे, जब सारे प्रचार वगैरह चलेंगे उस हिसाब से करेंगे ना चुनाव। तो मायावती या ममता बनर्जी? ये तो डिसाइड करने में अभी हम क्या बोले फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए पॉलिटिक्स को छोड़ के। तो राहुल गांधी को नहीं बुलाएंगे जब नेहरू यहाँ आएंगे? नहीं राहुल गांधी जी तो आते रहते, हम नाली पीछे भी आए थे, उसके बाद 2012 में भी और सोनिया गांधी जी आए थे यहाँ, जब मनमोहन सिंह जी आए थे प्रधानमंत्री थे उस टाइम सोनिया गांधी जी भी आए थे, टनल का काम उस टाइम उनके बदलते हैं बेचारों वो नहीं होते तो नहीं आते, राजीव गांधी के टाइम की थी योजना, लेकिन बाद में अटल जी रहे तो उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया है टनल के लिए, जो यहाँ टनल रोहतांग टनल निकल रहा है। और उसके बाद अभी सोनिया गांधी जी आई थी उस टाइम तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उन्होंने यहाँ का शिलान्यास किया, और अभी मोदी जी आएंगे 2019 में फरवरी में बोल रहे हैं तो उसका उद्घाटन करेंगे, और उसके आने निकलने से हमारे को काफ़ी सुविधा हुई, हमारे सैनिकों को भी हुई, हमारे देश के लिए भी काफ़ी है, कुछ चाइना को उससे काफ़ी वो हो गया है। ये टनल कितनी लंबी है? ये कम से कम 9.5 किलोमीटर बोल रहे हैं, कुछ पॉइंट ऐसे 9.5 किलोमीटर बोलते हैं यहाँ से ले तक है। हाँ ले के लिए है, ले लद्दाख के लिए निकल रही है। तो कितने सालों से रुका हुआ था ये काम? नहीं काम रुका तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा बीच में बजट नहीं आया था, अभी बजट की कमी पड़ी थी, कुछ अधूरा काम रहा था बीच बीच में, और ऐसा है कि बजट अब आ रहा है, अब इलेक्शन भी आ गया, मोदी साहब ने भी देख लिया कि अब इलेक्शन आएगा और अभी थोड़ा अभी वो जो भी है इसका जो भी पैसे की जो कमी थी बजट जो अभी दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन नहीं होते तो उस टाइम शायद वो थोड़ा धीमा चला देते इस काम को। किसको वोट देंगे आप? हम तो चाहते हैं कि
राहुल गांधी जी आए और किसानों के बारे में वो काफ़ी वो कर रहे हैं। कांग्रेस की जितनी भी योजना चली है हम पार्टी बेस पर नहीं बोलते हैं, पार्टी हमारा कोई भी नहीं है, ना कांग्रेस है ना बीजेपी है। हम ये देख रहे हैं कि मतलब क्या होना चाहिए किसानों के बारे में, क्या क्या योजना होनी चाहिए किसानों के बारे में। ये नहीं है कि मैंने ये योजना की, मैंने इतना बजट लाया, मैं उस देश में गया, वहाँ जाके मेरे देश में मैंने जब भाषणबाजी की तो लोग डरते हैं, दूसरा देश मेरे से वो कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसानों के बारे में देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि बीजेपी वाले क्या देखते हैं। मैं देखा है, हम भी समाचार सुनते हैं कि जहाँ उनका पार्टी का कोई प्रधान मुख्यमंत्री बन गया, कहीं उनकी कर पार्टी आ गई, वहाँ किसान लोन माफ़ करेंगे, को दूसरी जगह कोई कांग्रेस की सरकार होगी वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह टाइम भी और दो बार कांग्रेस के टाइम पूरे ऑल इंडिया में किसानों के लिए कर्ज माफ हुआ है, उससे काफ़ी वो मिली है। पहले ये बताइए कि 60-70 साल हो गए कर्ज माफ़ी बोल रहे हैं आप, तो क्या कर्ज माफ़ी एक सॉल्यूशन है? क्या किसानों की दशा सुधरी उससे? नहीं, ऐसे तो किसानों की कर्ज माफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि किसानों के लिए काफ़ी मतलब कर्ज मतलब माफ़ होने से थोड़ा वो सुविधा बन जाती है कि चल कुछ काम। कर्ज माफ़ी, क्या कर्ज माफ़ी ही एक ऐसी प्रणाली है कि जिससे सारे किसान खुश हो जाएं? कर्ज माफ़ी से किसान तो खुश है, लेकिन ऐसा है कुछ लोग नाराज भी है, जो बड़े बड़े लोग हैं ये किसान लोन इतना नहीं लेते हैं, लेकिन खास करके हमारे गांव के इतने हैं, चाहे हिमाचल के खास बात में बाहर की तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, वो तो आप देख रहे होंगे, लेकिन हिमाचल में और ज़्यादा करके किसान लोग ये रोजी रोटी कमा रहे हैं, कोई रोज़गार उतना है ही नहीं किसानों को। हम सब्जी लगाते हैं, कुछ और चीज़ कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, कभी बारिश ज़्यादा हो रही है वो फसल ख़त्म हो रही है, कभी ऐसी धूप हो रही है मर जा रहा है। किसान लोन हमने 1,00,000 रुपये निकाला, ब्याज बन रहा है उसका, कितना बन रहा है हमने नहीं दे सकते टाइम से, उससे घर वाले भी परेशान है। चलिए ठीक है, ठीक है जी। आई हैव कम फ्रॉम बनारस। बनारस मोदी जी के क्षेत्र से? या बट आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ मोदी। यहाँ कैसा लग रहा है आपको? इट्स फाइन, फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वी जस्ट केम 1 आवर बिफोर। तो आप बोल रहे आप मोदी के सपोर्टर नहीं, तो किसके सपोर्टर हैं? आम आदमी पार्टी। क्या कर दिया आम आदमी पार्टी? दे वर गुड बट उनको डीफेम कर दिया गया। सो मतलब बंदे ने गलती डिसीजन ले ली कि दिल्ली में जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो गया, उसको नहीं करना चाहिए था, ही शुड हैव वेटेड फॉर 5 इयर्स। अभी वो तो कोलकाता में रैली हुई थी, जो जिनको केस कर रहे थे, जिनको जेल भेजने वाले, उनके साथ खड़े थे, तो क्या? सॉरी आई एम नॉट अ बिग फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, आई जस्ट नो फ्यू पार्टीज लेट, दैट्स ऑल। ही इज अ बिग फॉलोअर, आई मीन द पीपल फ्रॉम दिल्ली सपोर्ट देम अ लॉट, दे सपोर्ट, दे से वी other Indians say this that he says too much and he says all sorts of thing without thinking and he's also like Modi, but the people from Delhi who actually live under his regime, they say he has done a lot of work and he has done to abhi jo MCD ka election usme to saaf ho gaye the. A lot of politics also plays when India is so diverse, a lot of caste politics plays and many MPs know how to use it. Maybe Kejriwal is so new to politics that he doesn't know all the tricks and turns, but I think he actually knows how to rule. ट्रिक्स नहीं, अभी वो ममता बनर्जी के साथ वहाँ पे खड़े थे, सारे करप्ट लीडर भी माने जाते थे उनके अकॉर्डिंग। Maybe he is trying to follow others. I mean, Modi has also been accused of several such things. He has been told to be the George Bush of India, saying all sorts of things without any facts. So yeah, I think you can challenge someone and accuse someone definitely on some of the points, but you have to look at the overall personality of the person and compare it with the other competitors. नहीं नहीं, वो जिन्होंने जिनके बदौलत वो ओके, आप बताइए कि यहाँ क्या क्या है? Yeah, I mean, it's a right to vote and if we have to vote then we have to choose the best. I don't support any party, I just support their events. So kaisa lag raha hai yahan ke? Bada acha lag raha hai, bas we are just waiting for snowfall. Aap kisko support karenge abhi aane wale chunav mein? Congress. Kyun, kya wajah hai? कांग्रेस यूथ के लिए कुछ करता है, वो गवर्नमेंट जॉब्स की रिक्रूटमेंट लाता है, और बाकी तो ये जो मोदी है ये तो बाकी ये कॉरपोरेट सेक्टर को ज़्यादा दे रहा है अहमियत, बाकी गवर्नमेंट को बिल्कुल कुछ नहीं दे रहा। तो आपके मानना है कि राहुल गांधी जॉब लाएगा? हाँ बिल्कुल, ऐसा मानना है मेरा, यूथ के लिए। यूथ के लिए राहुल गांधी यूथ हैं? हाँ कह सकते हैं, बाकी कांग्रेस में मोस्टली जॉब आती है गवर्नमेंट। अच्छा, बाकी अभी मोदी ज़्यादा कुछ नहीं किया उसने कुछ, अभी 2018 और 17 में कोई वैकेंसी नहीं आई, कोई एग्ज़ाम भी नहीं हुई, और 19 में हालांकि कुछ भी नहीं होगा। नहीं नहीं, अभी तो
रेल मंत्री ने कहा 2.5 लाख जॉब आएगी रेलवे में, वो कहा है बट वो कहते अलग है करते कुछ और है। नहीं नहीं अभी तो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है कि 2 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट हो जाएगा। हाँ बाकी देखो अगर होता है तो, अगर कुछ यूथ के लिए आता है तो फिर अपना वोट चेंज कर देंगे, अदरवाइज नहीं तो फिर वोट चेंज करेंगे अपना। चलिए थैंक यू। मैं यही मनाली से हूँ। मनाली में बर्फबारी कैसी हो रही, मज़ा आ रहा है? ये मनाली में मतलब काफ़ी दिनों से मतलब बर्फबारी हो रही है, मतलब तो मज़ा आ रहा है। मज़ा तो आप लोग ले रहे हैं, मतलब घूमने वाले जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, मतलब फुल बर्फ़ मिल रहा है, इंजॉय। तो आपको अभी तो रोज़गार चल रहा है? हाँ ऐसे मतलब बर्फबारी हो रही है, रोज़गार मिल रहा है, हल्का फुल्का रोज़गार मिल रहा है। तो आप बताइए किसकी सरकार ला रहे हो 2019 में आने वाले लोकसभा में? आने वाले समय में लग जाएगा पता कि किसकी सरकार आएगी। अभी मतलब किसको वोट देंगे हम तो देखते हैं, डिसाइड जिसने जो काम अच्छा करेगा उसके लिए वोट। आप बताइए ना अच्छा कौन है, किसको वोट दे रहे हैं? हम इतनी दूर से आ रखे हैं, आप बताइए। ये काम पे निर्भर, जो काम सही करेगा, मतलब कौन काम सही करेगा, लालू, ममता, मुलायम या मोदी? हिमाचल में तो कांग्रेस और बीजेपी दो ही गठबंधन मतलब है। मतलब आप हिमाचल में कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन करा दे रहे हैं? नहीं नहीं गठबंधन नहीं है यहाँ पे, मतलब कांग्रेस है और दो ही पार्टीज है। तो किसको वोट देंगे आप? मैं कांग्रेस को दूंगा वोट। किस लिए? राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? क्योंकि मतलब उन्होंने जो भी काम किए मतलब अच्छे काम किए। क्या अच्छे काम कर दिए, एक दो गिना दीजिए। जो भी मतलब इन्होंने मतलब सामाजिक मुद्दे रखते हैं मतलब वो उन्होंने पूरे किए। क्या सामाजिक, एक मुद्दा बता दीजिए। जैसे कि मतलब हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी रोड्स वगैरह निकाला है और टूरिज्म के लिए बहुत बढ़ावा दिया। कब दिया था? पिछले एक दो मतलब सालों से काफ़ी बढ़ावा दिया उन्होंने। यहाँ पे तो बीजेपी की सरकार है। पिछले जो मतलब टनल वगैरह बनाए नहीं है मतलब वो कांग्रेस की राज। एक टनल तो मोदी उद्घाटन करेंगे। हाँ वो तो उन्होंने किया मोदी जी ने। तो उससे खुश नहीं है? नहीं मोदी जी से भी खुश है, मोदी जी ने भी अच्छे काम किए वैसे हिमाचल। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो मतलब देखते हैं किसको बनाना है। कौन अच्छा है, राहुल या मोदी? राहुल जी ऐसे मतलब। राहुल जी ही ऐसे, मोदी को नहीं बनाएंगे? मोदी वैसे मोदी भी अच्छे काम कर रहे हैं। वोट किसको देंगे आप? वोट देखते हैं अभी डिसाइड करेंगे। ठीक है थैंक यू भाई। भाई साहब आप कहाँ से हैं? आप तेलंगाना? यू आर फ्रॉम तेलंगाना? तेलंगाना स्टेट। कैसा लगा यहाँ? अच्छा है। अच्छा है हाँ। बर्फबारी कितनी बार आई है यहाँ आप? मैं पहला है। फर्स्ट टाइम यू कैम हियर? फर्स्ट टाइम यू एंजॉयिंग इट? एंजॉयमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके कितने फ्रेंड्स आ रखे हैं आप? अभी छः फ्रेंड्स आए अभी। ओके सिक्स फ्रेंड्स। सिक्स फ्रेंड्स। तो आप बताइए अभी इलेक्शन है तेलंगाना में क्या चल रहा है? तेलंगाना में अच्छा है ना तेलंगाना? किसको वोट देंगे, केसीआर या? केसीआर नंबर वन सीएम है। केसीआर नंबर वन सीएम, राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे अभी? केसीआर काम बहुत करता है ना उधर। अच्छा। काम तो पूरा आदमी लोग पूरा खेती बनाने वाला को पूरा लोन देता, पूरा सब देता है ना। केसीआर डूइंग ग्रेट जॉब। ग्रेट जॉब, इसलिए पूरा तेलंगाना में केसीआर को डाल दिया वोट। ओके अच्छा। टीडीपी को नहीं देंगे वहाँ से? टीडीपी को नहीं देंगे। कांग्रेस? कांग्रेस नो।